महीनों भर पहले हुई कशेली में दो गुटों में फायरिंग को लेकर आज थाने क्राइम ब्रांच की तरफ से दो मुख्य आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया। इस विशेषता इसमें ऐसे बताएगी कि जो आरोपी थे इन्होंने जो है अपने पुराने जो विवाद थे उनके जो पुराने झगड़े थे उसको लेकर जो है गणेश कोकाटे पर फायरिंग की थी, क्योंकि साल 2014 में जो गणेश कोकाटे पर जिसने फायरिंग की थी उस आरोपी ने बताया कि 2014 में जब गणेश कोकाटे ने उसे सरे बाजार में जब लोगों के सामने मारा था उसका गुस्सा उसके मन में था, वो इस मौके की तलाश में था। जब कुछ महीनों पहले जब उसको मौका मिला तो उसने कशेली में जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है गणेश कोकाटे पर फायरिंग की। जिस तरीके से बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी ये विवाद हो सकता है, लेकिन जो DCP है क्राइम यूनिट 5 के, उन्होंने बताया कि इसके अंदर ये भी किसी भी तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद नहीं था, बल्कि ये विवाद जो है 2014 से शुरू हुआ था। लेकिन मौके की तलाश में जो है गणेश कोकाटे के आरोपी थे उनको मौका मिला और उन्होंने गणेश कोकाटे को जो है मौके पर जो है कशेली के मेन सिग्नल जो होती है वहीं पर जो है मौत के घात उड़ा दिए। उसके बाद में लगातार ये आरोपी फरार थे, पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका दबाव था, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है इनको कल देर रात जो है उनको मालूम मिली कि गणेश कोकाटे के आरोपी जो है इंद्रनगर परिसर में आने वाले, उन्होंने वहाँ पे जाल बिछाकर दोनों आरोपी अरेस्ट कर लिया। जो मेन आरोपी है वो धनराज तोड़नकर 33 वर्षीय युवक है और दूसरा एक संदीप कुमार कनौजिया करके 27 वर्षीय युवक, उसमें दो आरोपी है। तो इनको हमने अभी गिरफ्तार किया है, अभी आगे जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और भी इसमें क्या गाड़ी यूज की है, जो वेपन यूज किया है या और कोई इसमें इन्वॉल्व है, ये इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगा। फिलहाल दोनों आरोपी क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के जो है ताबे में है, देखना होगा कि आने वाले समय में और सारी चीजें किस तरह खुल के सामने आ रही है। थाना श्री सुवांशी लोकल वोकल।